हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्ती होंगे। फ्रेंड्स, मेरे जो बहुत पहले का, एक साल पहले का मेरे चैनल के ऊपर बोगनविलिया का एक वीडियो डला हुआ है, जिसको आप लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। और हर बार आप लोग मेरे बोगनविलिया के सीक्रेट्स पूछते हैं, तो आज मैं अपने बोगनविलिया पे कुछ काम करने लगी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी मैं इसे शेयर कर लेती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखने से हमारा जो बोगनविलिया का प्लांट है, ये ढेर सारी ब्लूम हमको देने वाला है आने वाले सीजन में। तो अभी हमें हमारे बोगनविलिया के प्लांट के ऊपर क्या करना है, देखिए कितने सुंदर मेरे कॉस्मोस के फ्लावर्स भी ब्लूम होने लग गए। तो अभी हम अपने बोगनविलिया पे ऐसा क्या काम करें जिससे कि हमारे आने वाली ठंडी वाले सीजन में हमारे बोगनविलिया पे भरपूर हमको फ्लावरिंग मिलने वाली है। वैसे तो देखिए बोगनविलिया पे ऑन एंड ऑफ मेरे यहाँ पे हर 2-3 महीने में फ्लावरिंग जो है वो होती ही रहती है। तो चलिए देखते हैं कि मैं अपने बोगनविलिया पे रेगुलर बेसिस पे क्या काम करती हूँ। उससे पहले आप मेरे लास्ट विंटर के बोगनविलिया की एक झलक देख लीजिए। इस तरीके से इन्होंने भर भर के मुझे ब्लूमिंग दी थी, तो वही वाले ये प्लांट्स हैं जिन पे मैं आज काम करने वाले। इस तरीके से ये मेरा बोगनविलिया का प्लांट है और आप देख सकते हैं मैंने इसको 5-6 दिनों से बिल्कुल भी पानी नहीं दिया है, वाटरिंग नहीं करी है। तो इसकी लीव्स आप देख सकते हैं किस तरीके से हो गई है और ये बिल्कुल डी शेप हो गया। पहले तो मैं इसका पॉट चेंज करके हमें इसको अच्छे से फर्टिलाइज करना है। तो देखिए जब हमारा पॉट सूखा रहता है तो बहुत इजीली, ये देखिए कितने इजीली मेरी ये जो मिट्टी है ये इसमें से निकल कर आ चुकी है। अब देखिए ये पूरा रूट बॉन्ड इतना ज्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि अब मैं पॉट चेंज कर ही रही हूँ तो मैं इसकी अच्छे से पूरी रूट्स जो है वो भी रूट जो है वो प्रूनिंग कर दूंगी। इस तरीके से मैंने इसको देखिए मेरा पूरे राइस हस्क में लगा हुआ मेरा मिट्टी थी, मिट्टी कम और राइस हस्क ज्यादा थी, तो आप देख सकते कितनी भुरभुरी है और पूरे रूट्स से ये कवर हो चुका था। तो जैसे ये मेरा पॉट है तो इसके अंदर तो मैं अपने पहले जैसे जिस तरीके से हम ठीकरी डालते हैं उस तरीके से पूरी ठीकरी डाल दूंगी गमले में। इसको मैं अच्छी तरीके से इसकी सारी ही रूट्स को अलग कर लूंगी। ऊपर से भी देखिए कितना टाइट हो गया है, तो मैं इसको अच्छे से खोल लेती हूँ। इस तरीके से आपको इसे खोल लेना है, ये देख सकते हैं आप मैंने पूरी तरीके से इसका जो ये रूट है ये सेपरेट कर दी है। अब इसको हम अपने कंपोस्ट बिन में यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें जो मैं पॉटिंग मिक्स लेने वाली हूँ उसमें देखिए 10% रहेगा मेरा ये गार्डन सॉइल। इसमें मैं सैंड बहुत अच्छे से मिलाने वाली हूँ। इसके अंदर मैं ये राइस हस्क डालने वाली हूँ, एक ज्यादा पोर्शन में मेरा राइस हस्क और सैंड रहती है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हमारी बहुत अच्छे से डिकम्पोज हुई गोबर की खाद और उसमें मैं थोड़ा सा एक मुट्ठी के करीब बोन मील मिलाऊंगी। बोन मील जो है ये हमारे बोगनविलिया के प्लांट्स को बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पर रॉक फॉस्फेट को भी यूज कर सकते हैं। 3-4 दाने मैं इसके सॉइल मिक्सचर में ही डीएपी के डाल दूंगी। इतने देखिए इतने दाने मैं डीएपी के डाल दूंगी। अगर आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो आप कंप्लीटली इसको अवॉइड कर सकते हैं और थोड़ा सा मैं एनपीके डालूंगी इसके अंदर। तो मैं आपको पॉटिंग मिक्स तैयार करके फिर मिलती हूँ। देखिए मैंने वही वाले गार्डन सॉइल में और बाकी सारी चीजें मिला के इसको तैयार कर लिया है। इसके अंदर मैंने इतना इतना बोन मील डाल दिया है और 4-6 दाने मैं ये अपने डीएपी के ये 4-6 दाने इसी में ही मिक्स कर लूंगी। इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके पॉटिंग मिक्स में बना ली है मैंने, तो ये इसी के पॉट के अंदर मैं भर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से हमको भर लेना है और इसके बाद ये जो ये हमारा प्लांट है इसको ऐसे के ऐसे ही मैं उठा के इसके अंदर डाल दूंगी। ये देख सकते हैं कई लोग सोचते हैं कि गार्डनिंग बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इजी वे में हम जितना इजी वे में इसको करें, जितना इंजॉय करते हुए हम गार्डनिंग को करें उतने ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस ये है कि समय का हमें ध्यान देना होता है कि किस टाइम पे हमें क्या करना है। जैसे ये रूट प्रूनिंग या ये कोई भी काम है तो आप ये शाम के टाइम करिए, जिससे कि रात भर में प्लांट को रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है और सुबह इसको थोड़ा सा 2-4 दिन आप शेडी एरिया में रखिए। अब मैं इसमें बहुत अच्छे से वाटरिंग करने वाली हूँ। अब आई जो सबसे मेन बात कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं, तो उसका सबसे सिंपल टिप होती है कि जितनी ज्यादा हमारे प्लांट के ऊपर ब्रांचेस होंगी उतनी ही ज्यादा हमारे प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग आएगी। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा जो प्लांट है ये टोटली डी शेप हो रखा है, तो बिना घबराए मैं इसको फटाफट से पूरी इसकी प्रूनिंग कर दूंगी। जितनी ज्यादा इसमें ब्रांचेस निकलती जाएंगी इसके बाद भी, जैसे यहाँ पे अगर मैंने अभी इसकी प्रूनिंग करी और यहाँ अगर शूट निकल रही है तो मैं इसको सिंपली
क्या करूंगी, ज्यादा बाद की बात मैं बता रही हूँ, अभी तो मैं हार्ड प्रूनिंग करने वाली हूँ, लेकिन बाद में सिंपली हमको इसके टिप को इस तरीके से काट देना है जिससे कि यहाँ पे और ज्यादा दो शूट्स निकलेंगी। फिर जब वो थोड़ी सी बड़ी होंगी तो उसको मैं फिर से पिंचिंग कर दूंगी। तो सिंपल मेथड है, जितनी ज्यादा हमारे प्लांट के ऊपर ब्रांचेस होंगी उतना ही ज्यादा हमारा प्लांट जो है वो फ्लावरिंग करने वाला है। तो इस तरीके से मैं आपको शेप में करके इसको दिखाती हूँ, बस काट दे अभी तो मैं। सकते हैं इसको मैंने पूरी तरीके से अच्छे से प्रून कर दिया है और अब मैं आपको इसका बात का अपडेट भी दिखाऊंगी 15-20 दिन के बाद कि किस तरीके से इसके ऊपर ढेर सारी न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो गए। इसी तरीके आज से आप देख सकते हैं, आज मैंने मेरा ये वाला एक जो प्लांट है ये भी मैंने प्रून किया है और दो प्लांट्स मैंने आज और फर्टिलाइज और प्रून किए हैं जिनकी मैंने रूट प्रूनिंग भी साथ साथ की है। तो आने वाले सीजन में आपको मेरे गार्डन में बहुत सारे बोगनविलिया के ब्लूम देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो बस फ्रेंड्स मेरे आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। जल्द ही किसी नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी फ्रेंड्स। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।